हेलो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल एम आई पी टी बॉयलर एक्सपर्ट आज हम जानेंगे बॉयलर के स्टीम फ्यूल रेशो के कैलकुलेशन कैसे करते हैं ओके स्टीम फ्यूल रेशो कैलकुलेशन उसका एक फार्मूला है स्टीम जनरेटेड डिवाइड बाय फ्यूल कंजम्पशन ओके लेकिन ये इसका एक स्पेसिफिक एक रीज़न है एक ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि स्टीम जनरेटेड एंड फ्यूल कंजम्पशन दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए और वो क्या है इस केस में हमने के जी पर आवर ये यूनिट लिया है फॉर एग्ज़ाम्पल वन थाउजेंड के जी का बॉयलर हम अगर यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए वन के जी पर आवर का या फो फायर बॉयलर हमने लिया है इसका फ्यूल कंजम्पशन पर सबसे पहले निकालेंगे फ्यूल कंजम्पशन वन थाउजेंड मल्टीप्लाइड फाइव फोर्टी बाय नाइन सिक्स फाइव जीरो जो इसका कैलोरीफिक वैल्यू है यपो का मल्टीप्लाइड बाय एपीसेंसी ऑफ बॉयलर पॉइंट एटी एट इसका कैलकुलेशन आता है सिक्सटी थ्री पॉइंट सिक्स के जी पर आवर ओके okay. और अभी हम जानेंगे स्टीम जनरेटेड कितना है वो स्टीम फ्लोमीटर से हमको पता चलता है वो है एट हंड्रेड के जी पर आवर अभी हम ये दोनों का रेशो निकालेंगे एट हंड्रेड डिवाइड बाई सिक्सटी थ्री पॉइंट सिक्स और वो रेशो आ रहा है ट्वेल्व पॉइंट फाइव इसका मतलब अभी हमने जो कैलकुलेशन किया है यपो फायर्ड वन टन बॉयलर का उसका जो स्टीम फ्यूल रेशो आया है वो है आया है ट्वेल्व पॉइंट फाइव ओके अभी हम जानेंगे गैस फायर्ड बॉयलर के बारे में इसका भी स्टीम फ्यूल रेशो कैलकुलेट करने के फार्मूला है स्टीम जनरेटेड डिवाइड बाय फ्यूल कंजम्पशन दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए हमने इस केस में के जी पर आवर यही यूनिट लिया है गैस के लिए भी अभी एग्जाम्पल के तौर पे हम वन टन का बॉयलर लेते हैं और नेचुरल गैस फायर बॉयलर है इसका फ्यूल कंजम्पशन कैलकुलेशन के लिए वन थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय फाइव फोर्टी डिवाइड एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड जो नेचुरल गैस का कैलोरीफिक वैल्यू है और जीरो पॉइंट एटी एट ये इसका बॉयलर की एफिशिएंसी है और कैलकुलेशन करेंगे तो 72.2 केजी पर आवर ये इसका फ्यूल कंजम्पशन पर आवर का मिला है अभी हम जानेंगे स्टीम जनरेटेड कितना है ये स्टीम किलोमीटर से हमको पता चलता है एट हंड्रेड के पर आवर है तो अभी हम स्टीम फ्यूल रेशो निकाल लेते एट हंड्रेड डिवाइड बाई सेवेंटी टू पॉइंट टू तो हमको रेशो कितना मिला 11.1 पॉइंट वन इसका मतलब ये कि ये गैस फायर्ड बॉयलर का जो हमने स्टीम फ्यूल रेशो निकाला है वो आया है एलेवन पॉइंट वन ये रेशो बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है डेली डे दे टू डे लाइफ में डेली बॉयलर का परफॉर्मेंस हम इसी एक पैरामीटर को कैलकुलेट करते हुए हम बॉयलर की परफॉर्मेंस कैसी मिल रही है वो जान सकते हैं इसलिए ये सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बॉयलर ऑपरेटर उसका इंजीनियर उसका इंचार्ज और इंजीनियरिंग मेंटेनेंस का जो हेड रहेगा यूटिलिटी का हेड रहेगा इसके लिए और मैनेजमेंट के लिए भी ये जर जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है इसके ऊपर से हम स्टीम का कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं वो हम आगे देखेंगे अगली वीडियो में ओके तो अभी तक हमने जो जाना है स्टीम फ्यूल रेशो के बारे में ये यहाँ तक ही ओके थैंक यू अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना Thank you very much.